वीडियो में हम सबक लाइट सर्वर की अनबॉक्सिंग देखेंगे। सबक की तरफ से आपको सबक लाइट के ये दो बॉक्सेस रिसीव होंगे। हम सबसे पहले इस बॉक्स को ओपन करके देखते हैं, इसके अंदर ये कंपोनेंट्स देख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया वाईफाई राउटर, ये रेस्पबेरी पाई जो एक स्मॉल कंप्यूटर होता है, नेटवर्किंग या ईथरनेट केबल और ये दो अडेप्टर्स। सबसे पहले वाईफाई राउटर को देख लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर इसकी लाइट्स ऑन होंगी जब हम इसकी पावर ऑन करेंगे। ये हमारे पास इसके डिफरेंट पोर्ट्स हैं, ये लैन पोर्ट्स होते हैं, ये वैन पोर्ट है, ये पावर बटन है, ये पावर प्लग है और ये डिफरेंट सेटिंग्स के बटन्स हैं, इनको हम नहीं छेड़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पर इस साइड पे आपके पास ये यूएसबी का पोर्ट भी मौजूद है। ये हमारे पास रेस्पबेरी पाई जो कि हमने कहा एक स्मॉल कंप्यूटर होता है, ये इसके डिफरेंट पोर्ट्स आ जाते हैं और इसके अंदर आपके पास यहाँ पर ये सबक की तरफ से 128 GB का मेमोरी कार्ड ऑलरेडी इंसर्टेड होगा जिसके अंदर तमाम सबक का कंटेंट मौजूद है। इसकी बैक साइड पे ये स्टिकी आपके पास टेप है जिसको आप यहाँ से टेयर करेंगे तो आपके पास स्टिकी पार्ट एक्सपोज होगा। और फिर हमने ये देखना है कि जो ये आपके पास यूएसबी वाला पार्ट है, ठीक है, जिसके यहाँ यूएसबी पोर्ट्स और लैन पोर्ट आ रही है, इसको डायरेक्ट करके केयरफुली आपने वाईफाई राउटर की जो बैक साइड है उसके साथ इस तरह से आपने अटैच कर देना, या आपस में इस तरह से स्टिक कर जाएंगे। और फिर आपस में इन दोनों को किस तरह कनेक्ट करना है, ये आपके पास ईथरनेट केबल, इसका एक पार्ट आपने जो है ये यहाँ पे इसकी लैन पोर्ट में अटैच करना है और दूसरा पार्ट आपने ये जो आपके पास ये चार जो लैन की पोर्ट्स हैं, वैन वाली पोर्ट को हमने खाली छोड़ना है, इसमें हमने अटैच नहीं करना, जो लैन की पोर्ट्स हैं इनमें से किसी भी एक में आप क्या करेंगे इसको अटैच कर देंगे। तो इस तरह से ये आपके पास जो है ये दोनों डिवाइस आपस में कनेक्ट हो जाएंगी थ्रू ईथरनेट केबल। अब हम अडेप्टर्स को इनके साथ कनेक्ट करेंगे। आपके पास एक अडेप्टर ये हमारे पास यहाँ मौजूद है, इस अडेप्टर का हम यहाँ से प्लग लेंगे और इसको इस एंड को हम जो इसका पावर पोर्ट है इसके अंदर हमने इसको जो है ये अटैच कर लिया, प्लग कर लिया। दूसरा आपके पास जो अडेप्टर है इसकी केबल इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। और अब हमने क्या करना है, ये इसका एंड्रॉयड पावर पोर्ट है, इसको हम रेस्पबेरी पाई में इंसर्ट कर लेंगे। अब हम अपने यूपीएस वाले पार्ट पे आ जाते हैं। यह हमारे पास यूपीएस का बॉक्स है, इसको हमने ऑलरेडी अनबॉक्स किया हुआ है। ये हमने अपना एक अडेप्टर लगाया, ये हमारे पास दूसरा अडेप्टर आ गया, इसको भी मैं यहाँ पर प्लग कर लेती हूँ। अब हमने क्या करना है, जो स्कूल का हमारा पावर जो प्लग है उसके साथ इसको कनेक्ट कर लेना है, यूपीएस की तार को हम उसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद फिर यहाँ पे ये आप यूपीएस का बटन ऑन करेंगे तो ये यूपीएस हमारे पास ऑन हो गया। अब जो हमारा सबक लाइट सर्वर का जो ये सेटअप है, सबसे पहले हम यहाँ पर इसके वाईफाई राउटर की तरफ आएंगे, ये जो आपके पास पावर बटन है इसको हम ऑन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे लाइट्स आपके पास ऑन होंगी, यहाँ पर डिफरेंट लाइट्स ऑन हो जाएंगी। रेस्पबेरी पाई की इन द मीन टाइम हम देखते हैं कि रेड लाइट ऑन हो गई है। अब ये थ्री लाइट्स आपके पास जो वाईफाई राउटर है इसकी भी ऑन हो चुकी हैं। नेक्स्ट हम बैक साइड पे देखेंगे तो हमारे पास ये येलो लाइट आप देख रहे हैं ये ऑन हो गई है। तो जब ये ऑन होगी इसका मतलब है कि जो आपका सबक लाइट सर्वर है वो वर्किंग कंडीशन में आ गया है। अब आप कोई भी ऐसी डिवाइस जिसके अंदर आपके पास वाईफाई के ऑप्शन मौजूद हो, जैसे कि लैपटॉप हो गया या कंप्यूटर या मोबाइल या टैबलेट, उसको हम सबक लाइट सर्वर के साथ कनेक्ट करेंगे। इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से अब हम सबक के वाईफाई से कनेक्ट करेंगे। ये सबक के वाईफाई के साथ हमने कनेक्ट किया, ठीक है, ये हमारी डिवाइस पेयर हो गई है। इसका पासवर्ड आपको सबक लाइट सर्वर के बॉक्स के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे नो इंटरनेट लिखा है, मतलब क्योंकि सबक लाइट हमारे पास ऑफलाइन कॉपी है, सारा ऑफलाइन कंटेंट इसके अंदर sabak.pk का मौजूद है। तो किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास वेब ब्राउज़र है, हम वेब ब्राउज़र में जाएंगे। यहाँ वेब ब्राउज़र में हम टाइप करेंगे 10.0.0.1, ठीक है, और हम एंटर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर sabak.pk का ऑफलाइन वर्जन यहाँ पे लोड हो जाएगा। अब हम सबक की वेबसाइट पर बगैर इंटरनेट के पहुंच चुके हैं और इसके तमाम कंटेंट को बिल्कुल उसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे ऑनलाइन इस्तेमाल करते हैं। हम कोई भी वीडियो प्ले करके देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे आज एलिमेंट्स की कि एलिमेंट क्या होता है। हम देखते हैं कि यहाँ हम और इसी तरह प्रैक्टिस टेस्ट भी यहाँ पर दिया जा सकता है।